ब्रिटिश कोलंबिया में जो मैंने देखा है यहाँ पर स्नो से बहुत डरते हैं, बिकॉज स्नो नहीं पड़ती है। They all are pushing. टायर देखो, टायर बिल्कुल स्पिन हो रहे हैं। तो बहुत है, हर हैंड सब फ्रीज हो रही हैं। बट ऐसा तो भाई कनाडा है ना, कनाडा जैसी एंजॉय करना चाहिए इनका वेदर। तो टर्न भी पूरी स्किड हो रही है कार। देखो ये देखो, मैरी क्रिसमस एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे इज क्रिसमस, और क्रिसमस में हो गया है इस बार व्हाइट क्रिसमस इन बीसी। बड़ी अच्छी स्नो पड़ रही है आज। मजेदार मूवी आप देख सकते हैं, क्या फीलिंग आ रही है। तो आज हम आपको दिखाने वाले लाइव स्नो, स्नो में यहाँ पे कैसे लाइफ है और कैसे सर्वाइव करते हैं। वैसे ब्रिटिश कोलंबिया में स्नो ज्यादा नहीं पड़ती है, क्रिसमस में थोड़ी सी पड़ती है, इस बार थोड़ी ज्यादा ही पड़ रही है। तो जैसे ब्रिटिश कोलंबिया में ज्यादा स्नो नहीं पड़ती है, तो हम यहाँ पे ज्यादा अपने विंटर टायर्स, विंटर गियर्स में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वन वीक के लिए आपको पढ़नी है। अगर आप सिटी में ही रह रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा स्नो की। अगर आप सिटी से बाहर जा रहे हैं, देन इट्स मैंडेटरी टू हैव विंटर टायर्स, अदरवाइज इट्स नॉट वर्थ, क्योंकि स्नो जो है वन वीक पड़ेगी ड्यूरिंग क्रिसमस। और क्रिसमस के दौरान यहाँ पे सभी हॉलीडेज होते हैं, जिनकी नई हॉलीडेज होती है वो भी इसको इस टाइम पे ऑफ ही कर लेते हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, क्रिसमस मनाएं, और ये विंटर कंडीशन से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि ड्राइविंग बहुत यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होती है, क्योंकि How's the weather today? Hey Siri. It's not working. How's the weather today? It's currently snowing and minus 7 degrees. Temperatures are heading down from minus 6 degrees to minus 8 tonight. माइनस एट हो रहा है, बट यहाँ पे ज्यादा ठंड ऐसी लग नहीं रही है। जब ये स्नो पड़ जाएगी तब ठंड लगेगी, जब थोड़ी हवा चलेगी, जब सन आएगा, जब रुक जाएगी और। हाँ, तब विंड चिल्स चलती हैं। तो कार स्कूल सारी हो गई हैं, वो अंकल जी साफ कर रहे हैं गाड़ी, अपने ड्राइवे यहाँ पे साफ करना बहुत जरूरी। जैसे क्रिसमस डे एंड क्रिसमस पे वी ऑल वांट वाइट क्रिसमस अंटिल इट अपीयर्स, क्योंकि इसके बाद तो है आपको प्रॉब्लम आती है, गाड़ी से स्नो साफ करनी है। कहीं भी जाना तो पहले गाड़ी से स्नो साफ करो, रोड्स क्लीन करो, और उसके बाद अपने ड्राइवेज क्लीन करो। ड्राइवेज क्लीन करें बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर कोई स्लिप हो जाए स्किट हो सकता है, और यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल हैं कि आपको क्लीन करनी ही पड़ती है, अदरवाइज सब फाइन एज वेल। तो सभी जो हैं अपने ड्राइवेज क्लीन कर रहे हैं, और रेनी तो पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे। चौकी से स्नो बड़ी फन है, तो घर बड़े ले लो यहाँ पे, पर उतनी ही आपको स्नो शफलिंग भी करनी पड़ती है। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि यहाँ पे क्रिसमस पे जो हॉलीडेज होती है, बिकॉज जो स्नो एक्सपेक्टेड होती है कि स्नो आएगी, तो यहाँ पे बीसी में तो गवर्नमेंट भी यही कहती है, अगर यहाँ पे स्नो हो रही है, इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल इन ड्राइविंग ऑन स्नो, तो डोंट नॉट ड्राइव। आप कार चलाने में कम्फर्टेबल नहीं हो इन स्नो, और आप फिर भी चला रहे हो, देन यू आर मेकिंग डिसकम्फर्ट फॉर अदर्स एंड डेंजर फॉर अदर्स एज वेल। तो आज जैसे क्रिसमस है, कुछ करने को ज़्यादा है नहीं, क्योंकि सब जगह बंद है, पब्स बार्स में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं ड्यू टू ओमिक्रॉन, और डर लगता है बाहर जाके। तो आज हम सोच रहे हैं एक ट्रेल पे जा गए हैं, यहाँ पे हमारे पास है एक माउंटेन है छोटा सा, वहाँ पे हम छोटी सी एक ट्रैक करने वाले हैं इन स्नो, और मे बी स्नो में दिखाएं यहाँ पे लाइफ कैसी है आपको। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सबको साफ करनी पड़ती है ये स्नो, ये ड्राइववे देखो यहाँ दिख रहा है, रोड और ये सारा मिक्स हो रखा है। Rene, this is a road. This is not a playground. Merry Christmas. Christmas. Enjoying white Christmas? Yes. बहुत लगता है ये सब कुछ देखने में, लेकिन ये कि इसके साथ बहुत ज़्यादा हैसल भी है। Look here. ये सब nature है। I like it because ये सारा white हो गया। हमने दो दिन पहले इसको green देखा था। And today is all white. Wherever you guys look, take a 360 round. It's all white. Yeah. ये कुछ लोग sled लेके जा रहे हैं, sledding कर रहे हैं आज. Snow में यहाँ sledding बहुत करते हैं. आज road सारी empty हैं, खाली पड़ी हैं road सारी. और इस स्नो की वजह से भी यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में ना स्नो की वजह से सारे ही जो घर पे रुक जाते हैं, यहाँ बाहर ही नहीं आते। उसमें ना एक ये बहुत बड़ा इनके यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में जो मैंने देखा है यहाँ पर स्नो से बहुत डरते हैं, बिकॉज स्नो नहीं पड़ती है, और हमें ये नॉर्मल लगता है बिकॉज हम इससे ज़्यादा स्नो देख के आए हैं एवरी डे, और यहाँ पर पड़ती है कभी महीने में एक बार, तो सब बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पर एक जो स्नो है वो अच्छा नहीं मानी जाती कि हुआ स्नो आ गई है, या इट्स अ हॉक्स।
तो नेहा को बहुत ठंड लग रही है और ये भाग रही है पूरी यहाँ पे, हम दोनों को छोड़ के भाग रही है ये। Are you also trying to run? तो गाइस ठंड तो बहुत ही ज्यादा लग रही है पर फन भी हो रहा है, थोड़ा मजा आ रहा है मुझे तो स्नो में चलते हुए। इतने ज्यादा बुरा फील नहीं हो रहा बट यस ठंड तो थोड़ी लग रही है, हाथ और पैर थोड़े फ्रीज हो रहे हैं, थोड़ा शरीर चल रहा है पता लग रहा है। श्रेनित व्हाट अबाउट यू? आई एम फीलिंग गुड। आर यू फीलिंग गुड? ये ब्लैकबेरी के ट्रीज हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ब्लैकबेरी जो पता नहीं लग रही होगी, पर ये जो है ये ट्रैक है, ट्रेल है, यहाँ पे हम पहुंच गए हैं, हम यहाँ पे अंदर जाने वाले हैं यहाँ से, एंड इट्स गोना बी फन। नेहा और रेन तो पहले ही पहुंच गए हैं। देखो ये देखो फ्रीजिंग, इट विल बी अ फ्रॉस्ट बाइट। ओह या, स्नो हो कुछ हो जाना ही पड़ता है, और आज मुझे लगता है बीसी ट्रांजिट चल नहीं रही है तभी सबको हो रहा है। तो आज जो है ये हमारा ट्रैक है, ये एक छोटा सा माउंटेन है बट यहाँ पे डेंजर का साइन लगा हुआ है कि आप जा नहीं सकते हैं, तो आज हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि रेनित भी हमारे साथ है, अगर रेनित ना होता तो मे बी वी कैन टेक अ रिस्क। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने डेंजर, कीप ऑफ, या सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग अहेड। तो आपको कैसा लग रहा है ठंड में? ठंड लग रही है, घर जाने का मन कर रहा है, हीटर के आगे हाथ सेकने का मन कर रहा है बिकॉज मैं बहुत ठंड फील कर रही हूँ, मतलब मेरे लिप्स जो है वो फ्रोजन है तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। तो गाइस हाथ देखो, मेरे हाथ तो बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं, यहाँ सारे रेड हो गए हैं। व्हाट अबाउट यू? यस माइन टू, आई डोंट वांट टू टेक। नेहा का तो नोज भी रेड हो गया पूरा। रेनी तो कुछ नहीं हो रहा, रेनी तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, आपके हैंड फ्रीज हो रहे हैं? नो। कुछ आपकी फुट? नो। तो वहाँ भी वो कार स्ट्रक हो गई है, देखो उसके टायर देखो चल नहीं रहे। Oh yeah, it's stuck. तो someone is pushing, वो push कर रहे हैं और पीछे पूरा जाम लग गया यहाँ पे। Oh 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 oh, it's not safe. It's good we went walking. Yeah. It's not safe to drive. Everyone is coming to help that guy. See, girl is coming now. They all are pushing. Tire, देखो tire बिल्कुल spin हो रहे हैं. Well done. और ये कैनेडियन कल्चर है, दे आर हेल्पिंग बट अंकल इज स्टक। यहाँ पे जो है 4x4 व्हीकल बहुत काम आते हैं क्योंकि वो स्लिप नहीं होते हैं, पर इतनी ठंड नहीं पड़ती है तो हमें दो वीक्स के लिए, अंकल का हार्डली 1 वीक के लिए गाड़ी चाहिए, तो हम उसके लिए विंटर टायर्स लगवाएंगे। एंड दैट अंकल इज कमिंग बैक, लुक एट दैट, वाओ, ओ या दैट इज नॉट सेफ। वो अंकल को थोड़ा आईडिया नहीं कैसे चलाना है और उनकी कार जो ऑफिस आ रही है, मे बी ही डजंट हैव द स्नो टायर, इज कमिंग बैक। कितना ठंड लग रही है? बहुत ठंड लग रही है, हाथ फ्रीज हो गए हैं, और जल्दी से घर चलो बिकॉज रन करके जाना। या गो, दोनों को ठंड लग रही है और भाग रहे हैं। और कसारी का गाड़ियां जो है वो स्किड हो रही हैं, यू कैन सी ठंड तो बहुत है, हैंड सब फ्रीज हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि इतना बुरा हाल हो रहा है कि मरने वाले या फिर फ्रॉस्टबाइट हो गया। फ्रॉस्टबाइट जैसा लग रहा है कि हाथ जो है सारे जाम हो गए हैं, बट स्टिल इट्स मैनेजेबल। तो भाई कनाडा आए हैं तो कनाडा जैसे इंजॉय करना चाहिए इनका वेदर। तो आज गोरे सारे जो इतने भी हैं, कॉकेजियंस हैं, रेडनेक्स हैं, कैनेडियंस हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय कैसे कर रहे हैं? वाइन पी रहे हैं घर बैठ के, फैमिली से इंजॉय कर रहे हैं, कुछ जो है वो ट्रैक कर रहे होंगे हमारी तरह। ये है हमारा शेर पुत्र, जो ये ऐसे 4x4 ट्रक्स हैं वो तो बहुत इजी चल लेते हैं, बट अदर कार स्टक है, वो देखिए पीछे एवरीथिंग इज स्टक। तो इस वेदर में ये 4x4 ट्रक्स ही चलते हैं। तो मैंने कार चलाई है विंटर्स में, चलाई है कैलगरी में बहुत सारी,
बट आई मेक श्योर कि मेरे पास विंटर टायर्स हैं, पूरा गेयर अप है, गाड़ी में सब कुछ है, क्योंकि कैलगरी में तो ऐसी भी कई बार मतलब कि प्रेडिक्शंस होती थी कि स्नो इतनी आ सकती है कि आप कहीं भी स्टक भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको कार में सब कुछ रखना पड़ता है, खाने का सामान, ब्लैंकेट एंड मैनी मोर। वो नेहा तो वहाँ तक पहुँच गई है, उसको ठंड लग रही है, वो तो भाग भाग के जा रही है। चल 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 खड़ा हो, अरे थक गया है। और एवरीवन इज ड्राइविंग वेरी स्लो स्लो स्लो। यस यस यस, हैव फन फन फन। तो रेनी को मुझे पुश करना पड़ रहा है क्योंकि इसे चला नहीं जा रहा। और स्टूडेंट्स बेचारे जा रहे हैं अपनी जॉब्स पे, वेदर कैसा भी हो आपको जाना ही पड़ता है। तो यहाँ भी जब स्नो पड़ती है तो ये साइडवेज साफ करने बहुत ज़रूरी हैं। आज क्रिसमस की वजह से नहीं हुए, अदरवाइज दे हैव टू क्लीन दिस, क्योंकि यहाँ पे चलने के लिए भी आपको पता नहीं लगता कि रोड कहाँ पे है और साइड वॉक कहाँ पे है। सो दैट इज़ मस्ट। और सिटी भी जो है, जो गवर्नमेंट है, वो मेक श्योर करती है कि यहाँ पे जो साइड वॉक्स हैं वो क्लियर हों। जो घरों में हैं वो उनको खुद करनी पड़ती हैं, और जो घरों में नहीं है वो गवर्नमेंट आगे करती है। तो आज बीसी ट्रांजिट की बसेस भी नहीं चल रही हैं, क्योंकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं बेचारे बस वाले हैं वो सारे वॉक करते हुए जा रहे हैं नीचे। और ऊबर का भी मुझे आई एम नॉट श्योर कि ऊबर भी आज चल रही होगी कि नहीं चली होगी। टर्न भी पूरी स्किड हो रही है कार, तो थोड़ी ट्रबल है ही है क्योंकि यहाँ ड्राइविंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। ड्राइविंग के अलावा भी अगर आपको वॉक करने तब भी प्रॉब्लम है, अगर आप बस से ट्रैवल करते तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज बसेस भी नहीं चल रही हैं। तो लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि जब ब्रिटिश कोलंबिया में स्नो पड़ी थी तो जो यहाँ पे लोकल बसेस हैं, जो गवर्नमेंट बसेस हैं, बीसी ट्रांजिट, वो सारा शट डाउन कर दिया था उन्होंने। और एक किसी की कैट गुम हुई है यहाँ पे, किसी ने कैट का पोस्टर लगाया हुआ है, लॉस्ट कैट। और कहना है गटर देखो, गटर सारे चल रहे हैं, स्नो पड़े बारिश पड़े ये नहीं रुकते। दैट इज़ ब्यूटी ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। स्नो पड़ी फिर भी जो ये प्लांट्स है सारी ग्रीन है अभी तक, दे स्टिल ग्रीन, दे टर्निंग येलो बट स्टिल ग्रीन है। तो ये सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया में ही है, बाकी जगह जहाँ स्नो ज़्यादा पड़ती है वहाँ भाई गोल्डन ब्राउन से होते हैं। तो ये था हमारा स्नोई क्रिसमस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ व्लॉग। फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग अस। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।